भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। पच्चीस साल बाद भंडारा जिले में बास्केटबॉल प्रतियोगिता। विदर्भ के सभी जिले के संभागीय ने लिया सहभाग। एकवीत क्रीडा संगठना की ओर से विदर्भ स्तरीय प्रतियोगिता। भंडारा जिले में 25 साल बाद एकवीत क्रीडा संगठना की ओर से बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला वर्ग में प्रथम पुरस्कार SNG नागपुर, द्वितीय पुरस्कार ब्रह्मपुरी NHBA, तृतीय पुरस्कार यवतमाल और पुरुष वर्ग में प्रथम पुरस्कार अमरावती, द्वितीय पुरस्कार यवतमाल और तृतीय पुरस्कार ब्रह्मपुरी, इन लोगों ने जीत हासिल किया, जिसमें आयोजितकर्ताओं की ओर से दैनिक खाने का इंतजाम किया गया था। साथ ही इस टूर्नामेंट के विजेताओं को खासदार सुनील मेंढे, पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी और आए हुए मान्यवरों के हस्ते सम्मानित कर पुरस्कार वितरित किया गया। भंडारा शहर में इस तरह का पहला 25 साल बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहा, जिसमें आए हुए मान्यवरों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मेरा नाम शरवरी मेन है, मैं SNG नागपुर से खेलती हूँ। आज हमने यहाँ फर्स्ट प्राइज जीता है भंडारा के टूर्नामेंट में। ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था, रहने का खाने का इंतजाम बहुत अच्छा था और हम फर्स्ट प्राइज जीते हैं, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय तो हम हमारे कोच विनय सर को देंगे और दूसरा श्रेय टीम को देंगे, सब टीम प्लेयर्स वगैरह को और पेरेंट्स वगैरह जिन्होंने सबने कोऑर्डिनेट किया, कंट्रीब्यूट किया, सब उनको श्रेय जाता है इस जीत का। माझं नाव वैभव डोंगरे, मी अमरावती इथून आलेलो आहे। दिनांक 3 जून आणि 4 जून रोजी ज्या विदर्भ स्तरीय एकवीत क्रीडा संघटनेने आयोजित केलेल्या टूर्नामेंट इथं आम्ही सहभागी होण्यात आलेलो आहे। त्यांच्या जे मॅनेजमेंट होतं ते खूप व्यवस्थितपणे, जसं की जेवण आहे, राहण्याची व्यवस्था, पाण्यासाठी वापर, टूर्नामेंट खूप सुंदर इथे पद्धतीने त्यांनी पार पाडण्यात आलेलं आहे। आम्ही आमचं टीमवर्क पूर्णपणे इथे दिलं आणि त्याच्याचप्रमाणे आम्ही इथं प्रथम स्थान प्राप्त केलं।
मेरा नाम विनय भुटी जी का है। मैं नागपुर SNG जिम खाना का कोच हूँ। यहाँ पे हमने फर्स्ट प्राइज मारा है और जब हम यहाँ पे आए थे तो थोड़ा सा ये हुआ था कि हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, या क्योंकि गेम्स यहाँ पे काफ़ी अलग तरीके से होते हैं और ग्राउंड फैसिलिटीज़ अलग कैसे होंगी हमको थोड़ा सा था, लेकिन यहाँ आने के बाद में हमको प्रॉपरली गाइडेंस मिला, प्रॉपरली फूडिंग मिली, रहने की भी अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बार नहीं, हर बार ये टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज़ करेंगे और काफ़ी अच्छा लगा। LCB की बड़ी कार्रवाई, 2 घंटे में सोने की चेन चोरने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 47,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त, चादर बेचने के बहाने चुराते थे सोने की चेन। रास्ते से जा रही महिलाओं के गले की चैन दिन दहाड़े 2 अज्ञात चोरों ने चुराने की घटना भंडारा के गणेशपुर में घटी, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद भंडारा पुलिस विभाग ने महज 2 घंटे में आरोपियों को पकड़कर 47,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया। मिली जानकारी के अनुसार गणेशपुर के रास्ते से महिला जाते समय अज्ञात 2 आरोपियों ने दिन दहाड़े गले की चैन लेकर भाग गए। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय अपराध विभाग के PI नितिन कुमार चिंचोलकर व अतिरिक्त थाना भंडारा ने बिना देर किए स्वयं और उनके अधीनस्थ PSI प्रीतिकुल में थे IIC सतीश देशमुख, साजन बागमारे, पुलिस नायक शैलेश बेदरकर, श्रीकांत मस्के, ईश्वर दत्ता मडावी, अंकुश पुराम, सुनील राठौर, योगेश पेठे, सुनील ठावकर, कौशिक गजबिये, हीरा लांडगे या घटना स्थल पर पहुंचे। आरोपी या गणेशपुर स्थित उपसा सिंचाई परियोजना की ओर भाग जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद अलग अलग दिशाओं में टीमों को उचित मार्गदर्शन के साथ भेजकर तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस की भनक लगते ही आरोपियों ने भी प्रोजेक्ट के पानी में छिपने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। आरोपियों में लाला दरवाजा तांडापेट निवासी अतुल राजू भाचोड़े उम्र 30 वर्ष तथा कलमना निवासी पप्पू श्यामलाल बुराड़े उम्र 23 वर्ष को हिरासत में लिया गया। दोनों आरोपी नागपुर के रहने वाले है। आरोपियों के खिलाफ धारा 392-34 बादवी के तहत अपराध दर्ज कर 3 सोने के मणि जिनकी कीमत 2,000 रुपए मूल्य था, एक्टिवा जिसकी कीमत 45,000 रुपए, ऐसा कुल 47,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर कार्रवाई की है। उपयुक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी भंडारा डॉक्टर अशोक बागुल के मार्गदर्शन में थाने गुना शाखा के PI नितिन कुमार चिंचोलकर, PSI प्रीति कुलमेथे, IIC सतीश देशमुख, साजन वाघमारे, PN शैलेश बेदुरकर, श्रीकांत मस्के, बंटी मडावी, अंकुश पुराम, सुनील राठौर, योगेश पेठे, सुनील ठौकर, कौशिक गजबिये, हीरा लांडगे, इन्होंने की है। कटंगी क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी कर अवैध तरीके से बिक्री करने वाले 6 सदस्यों के गिरोह का तिरोड़ी पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए कीमत की 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। रविवार को पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर धारा 379-41 की कार्रवाई की गई। कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मानक मणि कुमावत के नेतृत्व में तिरोड़ी थाना प्रभारी गहलोत सेमलिया, उपनिरीक्षक दिनेश तिवारी, सहायक उपनिरीक्षक गुलाब डोरे, मनोज डहरिया, प्रधान आरक्षक ओम प्रकाश डहरिया, लीला कुलस्ते, आरक्षक लक्ष्मी बघेल, सुजेंद्र बघेल, शिवम बघेल, श्रद्धानंद बघेल ने अंजाम दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाइक चोरी के मामले में तिरोड़ी निवासी शिव मरकाम उम्र 38 वर्ष के पास से मोटरसाइकिल क्रमांक MH 31 DA 0682 जामरा पानी निवासी सुरेंद्र
सुखचंद राउत उम्र 23 वर्ष के पास से मोटरसाइकिल क्रमांक MH 7222, जय प्रेमलाल कटोते उम्र 23 वर्ष के पास से मोटरसाइकिल क्रमांक MH 31AB 5264, बामनी निवासी सौरभ गोपीचंद मिश्राम उम्र 20 वर्ष और सह आरोपी साहिल आनंद मडावे उम्र 18 वर्ष, मोटरसाइकिल क्रमांक MH 36Y 2575, ललित प्रथम कुमार जनबंधु उम्र 20 वर्ष के पास से मोटरसाइकिल क्रमांक MH 31FV 3314, जब्त कर सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 मई को तिरोड़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी मोटरसाइकिल क्रमांक MH 36Y 2575 अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की तो पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग मोटरसाइकिल चोरी कर बेचने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने जामरापानी रेलवे क्रॉसिंग के पास से 3 नग मोटरसाइकिल और ग्राम बामनी से 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों को रविवार को व्यवहार न्यायालय कटंगी न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। साकोली तहसील के ग्राम लवारी के रेत घाट पर अवैध उत्खनन व ढुलाई मामले में साकोली पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर एक सिल्वर रंग का आयशर कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक MH 36L 5610 व लाल रंग की ट्रॉली क्रमांक MH 36G 3291 एक ब्रास रेत समेत लगभग 4 लाख रुपए का माल जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों में प्रकाश शेंडे उम्र 38 वर्ष, ईश्वरदास किरणापुरे उम्र 35 वर्ष, संतोष कामले उम्र 22 वर्ष, विनोद किरणापुरे उम्र 46 वर्ष का समावेश है। इस संबंध में पुलिस उपनिरीक्षक कोमल सूर्यवंशी से मिली जानकारी के अनुसार उपरोक्त आरोपियों को लवारी रेत घाट पर बिना लाइसेंस रेत का उत्खनन कर ढुलाई करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इस कार्रवाई में एक सिल्वर रंग का आयशर कंपनी का ट्रैक्टर व लाल रंग की ट्रॉली जिसकी कीमत 4 लाख रुपए तथा उसमें एक ब्रास रेत भरी हुई थी जिसकी कीमत 3000 रुपए है, इस तरह लगभग 4,03,000 रुपए का माल जब्त किया गया। इस मामले में सहायक पुलिस निरीक्षक सुनील उइके आगे की जांच कर रहे हैं। नागभीड़ तहसील के कानपा के पास ट्रैवल्स और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। इसमें कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष, 3 महिलाओं और एक बच्ची का समावेश है। यह भीषण हादसा रविवार को दोपहर करीब 3 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार रुपेश राउत गत वर्ष 1 वर्ष से अलग रहने के कारण अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए ब्रह्मपुरी तहसील के किन्ही गाँव में अपने भाई, माँ और अन्य रिश्तेदार के साथ नागपुर स्थित पड़ोसी रोशन तागड़े की गाड़ी लेकर जा रहा था, तभी कानपा के पास यह दुर्घटना हुई। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर नागभीड़ पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक योगेश खारे अपने कर्मचारियों सहित घटना स्थल पर पहुंचे। कार में 2 महिला और 2 पुरुषों के शव थे, जबकि एक बच्ची और एक महिला घायल थी। उन्हें नागभीड़ के ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से प्रभा सोनवाने की नागभीड़ के अस्पताल में मौत हो गई, जबकि यामिनी ने नागपुर अस्पताल में ले जाते समय दम तोड़ा। नूतन कन्या जूनियर कॉलेज भंडारा की छात्रा कुमारी नंदिनी संजय साठौने ने 12वीं कक्षा में वाणिज्य विभाग से 99.50% अंक हासिल कर महाराष्ट्र राज्य में प्रथम क्रमांक हासिल किया है। इस बड़ी सफलता को प्राप्त करने के बाद भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील मेंढे ने छात्रा के घर जाकर उसे बधाई दी और आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। सांसद मेंढे ने उनके माता पिता की भी प्रशंसा की और नंदिनी की आगे की पढ़ाई के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। नंदिनी को आगे क्या करना है यह पूछने पर उसने बताया कि उसे स्पर्धा परीक्षा देकर रिजर्व बैंक में अधिकारी बनना है। इस समय भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उल्लास जी फड़के, कैलाश कुरंजेकर, मेघश्याम झंझट, जनजीवन सर्वे, घनश्याम तोड़ने, महादेव साठों ने, वाणिज्य विभाग के प्राध्यापिका ज्योति श्रीवास्तव, नगर सेविका विनीता कुथे, नंदिनी के माता पिता, भाई और चाचा मौजूद थे। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी गुड्डा गुड्डी के विवाह की परंपरा शुरू है। जून महीने में ग्रामीण क्षेत्र में गुड्डा गुड्डी की शादी की जाती है। इसी तरह गोंड उमरी रेलवे के आदिवासी समाज बंधुओं ने चंदा जमा करके उपक्रम संपन्न हुआ। गोंड उमरी रेलवे स्टेशन टोली में आदिवासी महिला मंडल द्वारा तथा नागरिकों के सहकार्य से गुड्डा गुड्डी की शादी संपन्न हुई। इस उपक्रम में लाखों रुपए खर्च किए गए। पहले दिन मंडप पूजन व दूसरे दिन हल्दी कार्यक्रम, बाद में तीसरे दिन शादी का कार्यक्रम लिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी यह परंपरा कायम है। इस शादी समारोह में नागरिकों के लिए भोजन का भी आयोजन किया गया था।
महाराष्ट्र परिवहन निगम की ओर से नागरिकों की सुविधा के लिए बस सेवा चलाई जाती है, ताकि जिन लोगों के पास अपना निजी वाहन नहीं है वह बस के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव यातायात कर सके। हर गांव के नागरिकों को बस में यातायात करने हेतु हर गांव में एक बस स्टॉप बनाया जाता है, जहां लोग जाकर बस का इंतजार करते हैं और बस आने पर वहीं से बस में बैठते हैं। यह सेवा कई दिनों से शुरू है, पर भंडारा जिले के मोहाड़ी में बस स्टॉप पर बस ना रुकते हुए बस स्टॉप से कई दूर अंतर पर जाकर रुकती है, जिससे लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते रह जाते हैं और बस स्टॉप से दूर बस आकर के रुकती है और चली भी जाती है। बस पकड़ने के लिए लोगों को कड़ी धूप में खड़ा रहकर बस के पीछे दौड़ लगानी पड़ती है, ताकि वह एक गांव से दूसरे गांव यातायात कर सके। इस समस्या से परेशान होकर नागरिकों ने बस स्टॉप पर बस रोकने की मांग की है। मध्य रेल नागपुर मंडल के तहत एक बार फिर शराब तस्करी ने जोर पकड़ लिया है। रेलवे सुरक्षा बल की नागपुर पोस्ट और अपराध खुफिया शाखा द्वारा ट्रेन 16232 अंडमान एक्सप्रेस के समय एक महिला तस्कर को 59,925 रुपए की विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला का नाम कंजड़ मोल्ला जबलपुर निवासी विद्या सुनील जाट उम्र 40 वर्ष बताया गया। ट्रेन के प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचते ही गश्त कर रही आरपीएफ और सीबीआई टीम को विद्या के हाथ में 5 वजनी बैग दिखाई दिए। शक होने पर उसे रोककर बैग की तलाशी ली गई। सभी में विदेशी शराब की बड़ी बोतलें थी। उसके पास से कुल 47 बोतल विदेशी शराब मिली, जिसकी कुल कीमत 59,925 रुपए आकी गई। सारा माल जब्त कर विद्या को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला आगे की जांच के लिए एक्साइज विभाग को सौंप दिया गया है। मध्य रेल नागपुर मंडल के तहत एक बार फिर शराब तस्करी ने जोर पकड़ लिया है। रेलवे सुरक्षा बल की नागपुर पोस्ट और अपराध खुफिया शाखा द्वारा ट्रेन 16232 अंडमान एक्सप्रेस के समय एक महिला तस्कर को 59,925 रुपए की विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला का नाम कंजड़ मोल्ला जबलपुर निवासी विद्या सुनील जाट उम्र 40 वर्ष बताया गया। ट्रेन के प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचते ही गश्त कर रही आरपीएफ और सीबीआई टीम को विद्या के हाथ में 5 वजनी बैग दिखाई दिए। शक होने पर उसे रोककर बैग की तलाशी ली गई। सभी में विदेशी शराब की बड़ी बोतलें थी। उसके पास से कुल 47 बोतल विदेशी शराब मिली, जिसकी कुल कीमत 59,925 रुपए आकी गई। सारा माल जब्त कर विद्या को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला आगे की जांच के लिए एक्साइज विभाग को सौंप दिया गया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मन पसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।